हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेकअप तो आजकल सब करते हैं, लड़कियां भी करते हैं एंड लड़के भी करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि उसका यूज़ क्या है, उसको हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, किस जगह पर उसको यूज़ किया जाता है। आज के वीडियो में मैं ऐसे दो प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग मेकअप बिगिनर्स से मेकअप करना अभी अभी सीख रहे हैं, जस्ट लाइक मी। उसके साथ मैं दो प्रोडक्ट की रिव्यू भी करूंगी, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो। एंड साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे चलते हैं वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर के क्या क्या यूजेस हैं एंड इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नाउ मेरे पास है लैक्मे रोज पाउडर एंड लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कॉम्पैक्ट पाउडर क्या है एंड उसके यूजेस क्या है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो बहुत ही कॉमन है। कॉम्पैक्ट पाउडर सबका फेवरेट है। जो लोग हेवी मेकअप करते हैं वो लोग भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, या फिर जो लोग मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन उनके पास कॉम्पैक्ट पाउडर एक आपको ज़रूर मिलेगा। पाउडर आपको इसे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा एंड उसके साथ आपको एक स्पंज भी मिलेगा कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई करने के लिए। कॉम्पैक्ट पाउडर स्किन की कम्प्लेक्शन को बहुत अच्छा बना देता है एंड स्किन को एक फ्लॉलेस लुक देता है। अगर आप हेवी मेकअप नहीं करना चाहते हैं, कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई करके अपने फेस पे जो भी डार्क सर्कल्स है या फिर जो भी फाइन लाइन्स है उसको आप हाइड कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट को आप डेली यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट को आप इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जब भी आपको टचअप की ज़रूरत हो आप कॉम्पैक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट हाई कवरेज देता है एंड आजकल ऐसे बहुत सारे कॉम्पैक्ट्स हैं जो कि एसपीएफ फॉर्म में आते हैं। अगर आप सनस्क्रीन भी अप्लाई ना करो, सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप अपने फेस पे कॉम्पैक्ट अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं। एंड कॉम्पैक्ट एक एवरीडे लुक एंड नो मेकअप लुक क्रिएट करने में भी बहुत इजी होता है। जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो राइट नाउ मेरे पास है लैक्मे की सन एक्सपर्ट एसपीएफ 40 अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट। इसको मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। अगर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना पसंद नहीं है या फिर सनस्क्रीन अप्लाई करने से आपके फेस से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो आप इस कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सनस्क्रीन एंड बीच बीच में आप इसको टचअप भी दे सकते हैं। कॉम्पैक्ट अप्लाई करने से आपके फेस से स्वेट बहुत ज़्यादा कम होते हैं एंड बीच बीच में अगर आप इसको टचअप देते रहेंगे तो वो जितना सारा स्वेट है या फिर एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। ये एसपीएफ 40 यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन है। आप इसको दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं एंड बहुत देर तक बाहर रहते हैं तो बीच बीच में आप इससे टचअप दे सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है 186 है। इसको आप फाउंडेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर विदाउट फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पफ है मैं इसको चेंज कर दी हूँ, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल पफ था वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो इसीलिए मैं दूसरे कॉम्पैक्ट के पफ से इसको अप्लाई करती हूँ। एंड इसमें आपको सिर्फ एक ही शेड मिलेगा, दूसरा कोई शेड नहीं है। बहुत अच्छा कवरेज देता है। आप इसको ऐसे ड्रैग करके भी लगा सकते हैं या फिर इसको डैब डैब करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है 186 रुपीज़ है। मैं इसको फ्लिपकार्ट से ली थी एंड इसमें थोड़ा सा जो कॉम्पैक्ट वाला खुशबू है वो थोड़ा सा है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। नेक्स्ट कमिंग टू लूज पाउडर। लूज पाउडर क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या हैं। सो लूज पाउडर एकदम पाउडर की तरह आते हैं, जैसे आपके पॉन्ड्स पाउडर है या फिर बेबी पाउडर है, कोई भी टालकम पाउडर है, उस तरह का पाउडरी फॉर्म में आते हैं। लूज पाउडर को कभी कभी हम ट्रांसलूसेंट पाउडर भी बोलते हैं या फिर सेटिंग पाउडर भी बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होते हैं वो थोड़ा सा वाइटिश होते हैं, सेटिंग पाउडर भी होते हैं एंड बनाना पाउडर भी होते हैं।
तो ये सारे जो पाउडर्स है वो सारे के सारे लूज पाउडर के कैटेगरीज में आते हैं। लूज पाउडर जो है वो मोस्टली फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, कंसीलर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, सो दैट आपकी जो अंडर आईज है वो बहुत ज़्यादा क्रीज ना हो। पाउडर या फिर सेटिंग पाउडर को मेकअप को सेट करने के लिए भी अप्लाई किया जाता है। लूज पाउडर स्किन से एक्सेस ऑयल जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है एंड स्किन को एक फ्लॉलेस मेकअप लुक देता है। मोस्टली लूज पाउडर में आपको पप्स नहीं मिलते हैं, तो लूज पाउडर अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम आप अपना जो पाउडर ब्रश है उससे आपको अप्लाई करना पड़ता है। लूज पाउडर को आप हर जगह कैरी करके नहीं जा सकते हैं क्योंकि पाउडर में पफ नहीं आते हैं, तो आपको उससे ब्रश से अप्लाई करना पड़ता है। तो लूज पाउडर आप हर जगह कैरी करके नहीं जा सकते हैं। लूज पाउडर को आप बस अपना मेकअप जो है उसको सेटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। लूज पाउडर उतना ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता है एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट। अगर आपको विदाउट फाउंडेशन लूज पाउडर अप्लाई करेंगे तो ये बस आपके स्किन से जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट आपका जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली नहीं दिखता है, लेकिन आपके जो ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट्स हैं, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। लूज पाउडर को आप अपने मेकअप के बाद मतलब आपके फाउंडेशन के ऊपर ही अप्लाई करें वो बहुत ही अच्छा है। एंड लूज पाउडर ऑयली स्किन वालों के लिए वो बहुत अच्छा है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो मैं आज आपके साथ लैक्मे की रोज पाउडर विथ सनस्क्रीन लूज पाउडर की रिव्यू करूँगी। पाउडर को मैं फ्लिपकार्ट से ली थी, इसके प्राइसिंग जो है 175। बोलने के बाद आपको इसे पफ मिलेगा, बट ये पफ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं इसको अप्लाई कर चुकी हूँ, उतना ज़्यादा अच्छे से वो फेस पे पाउडर्स अप्लाई नहीं होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 होल्स हैं, तो आपको होल से ऐसे पाउडर यहाँ पे निकाल के आप उसको ब्रश में अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा है। शेड पी की हूँ वो है वार्म पिंक है एंड ये स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड एकदम स्किन को बहुत अच्छा मैट फिनिश देता है। स्किन से जो एक्सेस ऑयल होते हैं वो अच्छे से ये अब्जॉर्ब कर लेता है। पाउडर में लिखा है कि ये विथ सनस्क्रीन है, लेकिन पीछे जो इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट है उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि SPF का रेंज क्या है, तो आप इसके ऊपर भरोसा मत करना, आप अपना सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना। पाउडर की कलर थोड़ी थोड़ी सी पिंक टाइप की है, लेकिन ये आपके फेस पे अच्छे से सेट हो जाता है। ऐसा कुछ वो फेस को उतना ज़्यादा पिंक नहीं बनाना है, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। अगर आप पूछें कि क्या हम कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, तो आंसर इज येस, आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। आप लूज पाउडर अपने मेकअप को सेट करने के लिए, अंडर आईज को क्रीज होने से बचाने के लिए लूज पाउडर यूज करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज चाहिए, हेवी मेकअप करें, तो उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो आप अपने साथ कॉम्पैक्ट कैरी कर सकते हैं और बीच में आप अपने फेस को टचअप दे सकते हैं विद कॉम्पैक्ट, सो दैट आपके फेस से जो एक्सेस ऑयल्स हैं, स्वेट्स हैं, वो कॉम्पैक्ट अब्जॉर्ब कर लेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर में डिफ्रेंशिएट जानने के लिए हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड मुझे कॉमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।